हिंदुस्तानी फिल्मों के इतिहास में ऐसा इंसान मिलना असंभव है जो के आसिफ नाम से परिचित न हो। के आसिफ अपने बेईमान स्वभाव, जिद और कंट्रोवर्सी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जितना समय फिल्म सेट्स पर नहीं गुजारा, जितना अखबार और अफवाहों में छाए रहे। मुगले आजम फिल्म को बनाने में बेहद सारे साल लगे थे, ये सब जानते हैं, पर शायद ही कोई जानता हो कि अनारकली का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का चयन सबसे आखिर में और परेशानी के साथ हुआ था। वैसे तो मुगले आजम इस फिल्म के कास्टिंग के दौरान बेहद सारे किस्से सामने आए थे, उनमें से अनारकली वाले किरदार को लेकर मामला बेहद गर्म हुआ था। चलिए जानते हैं कि अनारकली का किरदार निभाने के लिए मधुबाला की कास्टिंग किन हालात में हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। मधुबाला के कास्टिंग की कहानी शुरू करने से पहले एक अनकही बात कहना चाहूंगी जो शायद किसी को पता नहीं होगी। ये सब जानते हैं कि अकबर के किरदार के लिए के आसिफ ने चंद्रमोहन को फाइनल किया था, पर अचानक उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि एक एक्सीडेंट के कारण उनका देहांत हुआ, पर असलियत ये है कि चंद्रमोहन इतनी शराब पिया करते थे कि जब तक बेशुद्ध होकर गिर न जाए तब तक बोतल को छोड़ते नहीं थे। उनके मृत्यु के पीछे की वजह यही थी। अब मैं आगे की कहानी सुनाती हूँ। मुगले आजम को फिल्माने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, पर अब भी के आसिफ को अनारकली के लिए हीरोइन मिली नहीं थी। उस दौर में उनके जहन में सिर्फ एक नाम था, वो अभिनेत्री थी नरगिस। अनारकली को तलाशने की तैयारी 1952 के साल में शुरू हुई। उसके एक साल पहले के आसिफ ने हलचल नामक एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, जिसमें नरगिस के अलावा दिलीप कुमार भी थे, पर एक मामूली कारण से दिलीप कुमार और नरगिस में लड़ाई शुरू हुई। नतीजन नरगिस ने फैसला कर लिया कि वो जिंदगी में कभी भी दिलीप कुमार के साथ काम नहीं करेंगी, पर के आसिफ चाहते थे कि अनारकली का किरदार नरगिस अदा करें। जब नरगिस को बात पता चली कि सलीम का किरदार दिलीप कुमार निभा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। आपको बता दूं कि दिलीप कुमार अभिनेत्रियों के साथ लड़ाई करने के लिए भी प्रसिद्ध थे। इस किस्से के अलावा अन्य दोस्तों ने के आसिफ से कहा था कि उन्होंने नरगिस में ऐसा क्या देख लिया। अनारकली अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, इसलिए सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस को कास्ट करके काम नहीं चलेगा, अनारकली के लिए अनारकली जैसी खूबसूरत अभिनेत्री लगेगी। ये सुनकर के आसिफ के मन से नरगिस का नाम हट गया। अनारकली की तलाश के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में इश्तिहार भेजा। इस विज्ञापन के कारण लगभग 10,000 लड़कियों ने अपने फोटोग्राफ्स आसिफ साहब को भेजे। दिलीप कुमार के साथ बैठकर उन्होंने सिर्फ 500 लड़कियों को ऑडिशन के लिए बुलाया। उनमें से 5 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ और अंतिम चरण में एक लड़की को सिलेक्ट किया गया। उस लड़की का नाम था शीला दलाया। शीला दलाया अनारकली की भूमिका के लिए लगभग सिलेक्ट हुई थी कि आसिफ साहब ने उनमें एक कमी देख ली। वो कमी ये थी कि शीला अंग्रेजी तो अच्छे से बोल लेती थी, पर उनकी उर्दू जुबान कमज़ोर थी। ये बात तब सामने आई जब आसिफ साहब ने अनारकली के कुछ सीन्स का रिहर्सल शीला से करवाया। उस वक्त ये खबर फैल चुकी थी कि शीला दलाया अनारकली की भूमिका निभाएंगी, और आसिफ साहब ने फैसला कर लिया कि इस रोल के लिए वे शीला दलाया को इनकार कर देंगे। कुछ दिन बाद शीला दलाया को खबर मिली कि उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया है, तो वो मायूस हो गई। उनके सपने एक पल में ही टूट गए, क्योंकि वो पृथ्वीराज कपूर की पहचान वाली थी, इसीलिए के आसिफ ने उन्हें दूसरा किरदार दिया। वो था अनारकली की बहन सुरैया का किरदार। इस किरदार के लिए भी शीला दलाया खुश हुई। इस फिल्म में उनका ये गाना बेहद चर्चित है, ये इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। शीला दलाया ने अपने पूरे जीवन में शायद इसी फिल्म में काम किया था। बाद में 1960 में उनकी शादी हुई और फिल्म जगत से दूर हो गई।
शीला दलाया के किस्से के बाद आसिफ साहब के सामने ये सवाल फिर से खड़ा हुआ कि अनारकली का किरदार कौन निभाएगा। उस वक्त एक अभिनेत्री का सिक्का खूब चलने लगा था। एक समय के लिए उनकी माताजी शोभना समर्थ भी प्रसिद्ध थी। जी हाँ, वो अभिनेत्री हैं नूतन। फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति ने आसिफ साहब को कहा कि नूतन इतनी खूबसूरत तो नहीं, पर एक्टिंग के मामले में उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आसिफ साहब को भी नूतन पसंद थी। दूसरी ओर दिलीप कुमार को भी कोई एतराज नहीं था। एक बार फिर से खबर फैल गई कि अनारकली के लिए नवोदित अभिनेत्री नूतन का चयन किया गया है, पर यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि नूतन और आसिफ साहब के बीच कुछ खास बातचीत हो नहीं पाई। मतलब आसिफ साहब ने नूतन के नाम पर मोहर लगा दी थी, पर नूतन ने कोई जवाब दिया नहीं था। दूसरी ओर अन्य लोगों ने नूतन से कहा कि इतनी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। सब लोग नूतन को अनारकली की भूमिका में देखना चाहते थे, पर एक दिन एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नूतन ने साफ रूप से कह दिया कि वे अनारकली की भूमिका नहीं करेंगी। ये देखकर सब लोग चौंक गए, पर नूतन ने आगे जो कहा वो तारीफ के काबिल था। उसी इंटरव्यू में नूतन ने आगे बताया कि अनारकली के किरदार के लिए फिल्म जगत में सिर्फ एक अभिनेत्री है, उसका नाम है मधुबाला। आसिफ साहब को नूतन ने ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि अनारकली के किरदार में फिट बैठेगी ऐसी अभिनेत्री का नाम भी बताया। इसके बाद आसिफ साहब ने बेहद विचार किया और मधुबाला को मुगले आजम के लिए फाइनल किया। मुगले आजम के लिए के आसिफ साहब ने जो संघर्ष किया उस पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि नूतन ने कहा था ठीक वैसे ही हुआ। मुगले आजम के रिलीज के बाद मधुबाला की खूब तारीफ हुई। इस फिल्म ने हिंदुस्तानी फिल्म जगत पर चार चांद चढ़ा दिए और साथ ही आसिफ साहब का नाम भी अमर हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।